राजनीति में बयानबाजी अब कोई बड़ी बात नहीं रही है, लेकिन बयानबाजी के चक्कर में नेता पीएम पद की गरिमा भी भूलते जा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जिससे पता लगता है कि सत्ता का खुमार किस कदर उनके सर पर चढ़ा हुआ है। अब नेताओं की बदजुबानी जंग में एक और नाम शामिल हो गया है और वो नाम है कांग्रेस के कद्दावर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का। दरअसल रविवार को कर्नाटक के कलीबुर्गी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए वो बोल पड़े कि नरेंद्र मोदी हर जगह जहाँ पे भी वो जाते हैं बस यही बात कहते हैं कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी। क्या आप में से कोई इस बात को मानता है? यदि हमें यानी कांग्रेस को 40 से ज़्यादा सीटें मिल गईं तो क्या मोदी दिल्ली के विजय चौक में फांसी लगा लेंगे? ये 40 सीट बंद अंदरे मोदी विजय चौक नल दिल्ली रन उड़ हाकोतना। पीएम मोदी पर बयान देने के बाद भाजपा ने तो उन्हें बुरी तरीके से घेरा ही है, पर उनका ये बयान कांग्रेस पर भी भारी पड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे। अगर आप चुनावी समीकरण को समझते हैं तो आपके लिए इस बात को समझ पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं जिनमें से जीत के लिए 272 की ज़रूरत पड़ती है, पर यहाँ तो कांग्रेस के दिग्गज नेता सिर्फ 40 सीट का ही आंकड़ा पार करने की बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ भाजपा सरकार है जो इस नारे के साथ आगे बढ़ रही है कि अब की बार 400 पार। हर जगह मोदी और अमित शाह रैलियों में इसी नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और यही नारा लगाते हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस सिर्फ अपने दम पर 40 या 44 सीटें पाने का दावा करती है। वैसे आपको याद होगा कि 2014 में भी कांग्रेस को 44 सीटें ही मिली थी और भाजपा को 282 सीटें मिली थी, और माना जा रहा था कि ये आंकड़ा भाजपा में मोदी लहर की वजह से आया है और यही मोदी लहर की वजह से इस बार भी ये पार करेगा। तो क्या इसी बौखलाहट की वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम पद की गरिमा भी भूल गए और ये इतना गंदा निम्न स्तर का बयान देश के प्रधानमंत्री के लिए दे गए? हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि उनकी बोलते हुए जुबान फिसल गई। कारण ये है क्योंकि वो कोई पहली बार पीएम मोदी के ऊपर टिप्पणी नहीं किए हैं। इससे पहले भी वो पीएम मोदी के ऊपर कई बार टिप्पणी कर चुके हैं। उन्होंने मुंबई में एक कार्यक्रम में कहा था कि पीएम मोदी इस देश में वैसी ही तानाशाही लाने की कोशिश कर रहे हैं जैसी तानाशाही हिटलर ने जर्मनी में की थी। लेकिन कितनी अजीब बात है इस राजनीति की, जहां एक तरफ ऐसे नेताओं पर कोई भी कार्यवाही नहीं होती जो महिलाओं पर शर्याम अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आजम खां का बयान तो आप सबको याद ही होगा, जिसके बाद उन पर उनकी पार्टी द्वारा ही कोई कार्यवाही नहीं की गई थी और ना उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया था। और भी कुछ लोग हैं जो पीएम पद की मर्यादा भूलकर ऐसे शब्द बोल जाते हैं, चाहे वो हार्दिक पटेल हो जो पीएम को यमराज कहते हैं या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा हो जो पीएम को दुर्योधन बोली हो। पर दूसरी तरफ एक लड़की को जेल हो जाती है, जी हाँ, एक लड़की को जेल हो जाती है ममता बनर्जी का एक फोटोशॉप करने पर, उनका चेहरा बदलने पर। लेकिन कैसी अजीब विडंबना है हमारे देश की कि अभी तक उन मुद्दों पर कोई सवाल नहीं उठाता और ना ही कोई इन नेताओं को कहता है कि पद की गरिमा तो कृपया राजनीति में बना कर रखें।